तो वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 5। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, लिखा हुआ है इफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 80। हमें एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की वैल्यू बताई हुई है, वो 80 है, एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 12, और एक्स वाई की वैल्यू बताई हुई है 12। तो कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई होल स्क्वेयर, यानी हमें एक्स माइनस वाई होल स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड करके दिखानी है। एक्स वाई की वैल्यू बताई हुई है और एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की वैल्यू भी बताई हुई है, वो कितनी है 80। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम इसमें किस तरीके से एक्स माइनस वाई होल स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है। तो आपके पास जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, आपने फ़ौरन सोचना है कि आपके पास कौन सी आइडेंटिटीज़ हैं जो आपने पढ़ी हुई हैं, जिनका डाटा इस डाटा से मैच करता है। फॉर एग्जांपल, इस एक्सरसाइज के अंदर हमने दो आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं, या आप उनको दो फार्मूलाज बोल लें। एक थी ए प्लस बी होल स्क्वेयर, और वो इक्वल थी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। आप 2ab को पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी, इससे कोई इशू नहीं है। इसी तरीके से एक थी a माइनस बी होल स्क्वेयर, तो वो थी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। तो ये दोनों हमने आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी। इसमें 2ab सेंटर में लिख लें या एंड पे लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमने दो आइडेंटिटीज़ पढ़ी हुई हैं। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपने फ़ौरन सोचना है कि आपके पास ये किस से मैच करता है। अगर आप नोटिस करें, इस क्वेश्चन के अंदर एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर आ रहा है, आप इसी फार्मूलाज को एक्स और वाई के लिहाज से सोच सकते हैं। यानी अगर आप इस फर्स्ट वाली एंट्री को एक्स सोच लें और दूसरी वाली एंट्री को वाई सोच लें, तो ये जो फार्मूला बनेगा वो कुछ इस डाटा के साथ मैच करेगा। फॉर एग्जांपल, अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने जो चीज़ फाइंड करनी है उसमें माइनस वाई होल स्क्वेयर है, यानी एक्स माइनस वाई होल स्क्वेयर है। तो ये चीज़ एग्जैक्टली मैच करती है इस वाली चीज़ से। किस तरीके से? क्योंकि यहाँ पे भी दो चीज़ें हैं, उनको माइनस कर रहे हैं और उसके ऊपर क्या आ रहा है, होल स्क्वेयर। यहाँ पे भी दो चीज़ें हैं, उनको माइनस कर रहे हैं, उसके ऊपर क्या आ रहा है, होल स्क्वेयर। तो मैं इस फॉर्मूले को एक्स और वाई में आपके लिए लिख लेता हूँ, ताकि आप लोगों को ज़्यादा आसानी रहे। तो मैं ए की जगह पर यूज़ कर लेता हूँ एक्स, बी की जगह पर यूज़ कर लेता हूँ वाई। तो यही फार्मूला एक्स और वाई में इस तरह बन जाएगा, जहाँ जहाँ पर ए है वहाँ पर एक्स लिख दें, जहाँ जहाँ पर बी है वहाँ पर वाई लिख दें। इसी तरीके से 2, ए की जगह पे एक्स और बी की जगह पे वाई। तो यही इसी चीज़ का फॉर्मूला, जो ये चीज़ इस तरह में इंटरप्रेट कर रहा था, मैंने उसको एक्स और वाई में ही लिख दिया। तो आप नोटिस करें, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वेयर मेरे डाटा में गिवन है, वो हमें यहाँ फॉर्मूले में नज़र आ रहा है। इसके अलावा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर के बारे में गिवन है, वो भी हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है, और एक्स वाई के बारे में गिवन है, वो भी हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो अगर आपके पास इस तरह का डाटा हो कि वो किसी फार्मूला के साथ इस तरीके से मैच कर जाए कि आपका जो कंप्लीट डाटा है वो उस कंप्लीट फार्मूले के साथ मैच कर रहा हो, तो इसका मतलब है ये वाला ही फार्मूला आपको चाहिए इसमें जो भी मिसिंग वैल्यू है वो निकालने के लिए। इसका मतलब ये बनता है कि अगर आपने एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर निकालना है, तो सबसे बेस्ट पॉसिबल जो आपके उस फार्मूला है फिलहाल, वो है ये वाला। क्योंकि इसमें वो वैल्यू भी आ रही है जो चीज़ आपने फाइंड करनी है, वो यहाँ पर लिखी हुई है, और वो वैल्यूज़ भी आ रही हैं जो आपको गिवन है। कोई भी ऐसी एक्स्ट्रा वैल्यू फॉर्मूले में नहीं होनी चाहिए जो आपके पास डाटा में गिवन ना हो। जिस तरह का डाटा हो उस तरह ही का फॉर्मूला आपको चाहिए होगा उसको यूज़ करने के लिए। अगर यहाँ पे कोई और एक्स्ट्रा वैल्यू लिखी होती और वो यहाँ पे नहीं आ रही है, तो हम इस तरह का फॉर्मूला यूज़ ना कर सकते, क्योंकि वो एक्स्ट्रा वैल्यू यहाँ पे मेंशनड नहीं है। तो कोशिश करनी है आपने अपने डाटा के लिहाज से इस फॉर्मूले को ऑब्जर्व करना है। तो ये वाला फॉर्मूला जो है एग्जैक्टली बनता है ये वाला फॉर्मूला। मैं इसी फॉर्मूले को यहाँ पे दोबारा कोट करने लगा हूँ, तो आइए इसे कोट कर लेते हैं। तो फॉर्मूला है मेरे पास एक्स माइनस वाई होल स्क्वेयर। ये ए और बी से आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, फर्स्ट टर्म ए के लाती है, सेकंड टर्म बी के लाती है। चाहे यहाँ पे एक्स वाई लिखाओ, किसी भी सूरत में लिखाओ, फर्स्ट टर्म को हम ए बोलते हैं, सेकंड टर्म को बी बोलते हैं, उसी के लिहाज से फॉर्मूला बना हुआ है। तो एक्स माइनस वाई होल स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वेयर, और यहाँ पर मैं पहले माइनस टू वाला पोर्शन लिख लेता हूँ, माइनस टू एक्स वाई, और फिर लिख लेता हूँ प्लस वाई स्क्वेयर। ये दोनों एक ही मतलब है, माइनस टू एक्स वाई को एंड पे लिख लें या सेंटर में लिख लें, मीनिंग सेम ही रहता है। तो एक्स माइनस वाई होल स्क्वेयर इक्वल होता है एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। अब आपने इसमें जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, तो आप देखें जो चीज़ आपने फाइंड करनी है उधर तो कुछ भी नहीं लिखा जा सकता, तो एक्स माइनस वाई होल स्क्वेयर तो वैसे का वैसे ही आपके पास रहने वाला है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो आपने बेसिकली फाइंड करनी है। इसके अलावा एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर की वैल्यूज आपको गिवन है। क्योंकि आपको एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की वैल्यू गिवन है, इसलिए मैं एक्स स्क्वेयर और प्लस वाई स्क्वेयर को इकट्ठा लिख लेता हूँ, ताकि वैल्यू पुट करने में आसानी रहे। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, और एंड पे ये लिख लेता हूँ माइनस टू एक्स वाई। अब एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर गिवन है 80, यानी इस पूरी प्लेस पे मैं लिखूंगा 80, क्योंकि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ऊपर गिवन है 80 माइनस।
टू वैसे ही आएगा, एक्स और वाई की वैल्यू गिवन है यहाँ पे 12, तो इसका मतलब है 2xy से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब आप एक्स वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो वो उससे भी क्या होगा मल्टीप्लाई, और यहाँ पे बच जाएगा एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, तो यहाँ पे बचेगा 80, टू 12 टाइम्स कितना होता है 24, और यहाँ पे बचेगा एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। अब आपने जस्ट 80 में से क्या करना है, माइनस करना है 24 को, तो आपके पास 80 माइनस 24 जब आप करेंगे आंसर आएगा 56, तो इसका मतलब आपने x माइनस वाई होल स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली है, वो कितनी आई है आपके पास, वो आई है 56। तो इस तरीके से हमने इन फार्मूलाज को यूज़ करके जो हमें डाटा गिवन होगा उसके मुताबिक वैल्यूज़ फाइंड करनी है जो मिसिंग है। तो यहाँ पे हम x माइनस वाई होल स्क्वायर वैल्यू निकाल चुके हैं जो हमें चाहिए थी, जो कि कितनी आ रही है 56।